खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। एक खबर जो आ रही है उसके मुताबिक उन लोगों के मुंह पर कालिक फुतती दिख रही है जो दलितों पर राजनीति करते हुए केंद्र सरकार को कोसने में लगे हुए थे। कुछ दिन पहले रोहित वेमुला का मामला बहुत ही गर्मा चुका था और रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने वोट बैंक को दलितों के रंग में रंगने के लिए तरह तरह के आरोप केंद्र सरकार और अन्य लोगों पर लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब जो बात सामने निकल कर आ रही है उससे उनकी इस राजनीति के ऊपर चढ़ा हुआ झूठ का पर्दा फाश हो गया है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रोहित अनुसूचित जाति का था ही नहीं। जी हाँ, उसका अनुसूचित जाति से कोई ताल्लुक ही नहीं था। मानव संसाधन मंत्रालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए के रूपनवाल के नेतृत्व में एक पैनल ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC को अगस्त के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में जो बात सामने निकल कर आ रही है वो यही बात है, केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और थावरचंद गहलोत पहले से ही साफ करते नजर आ रहे थे। दोनों ही मंत्रियों ने कहा था कि रोहित अनुसूचित जाति से नहीं बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग से है, लेकिन वोट बैंक के अंधे लोगों ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया था और लोगों ने अपने राजनीतिक टूर भी वहां पर किए थे। लेकिन जब से रिपोर्ट में ये साफ हुआ है कि रोहित वेमुला एक दलित परिवार से था ही नहीं, तो उन्हीं वोट बैंक के लिए राजनीति टूर करने वाले लोगों की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उल्लेखनीय है कि भारत में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा पिछड़ा वर्ग है जो सामाजिक विकास की दौड़ में अपनी ही स्वर्ण जातियों से पिछड़ गया था। दलित होना और पिछड़ा होना दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस बात को समझती नहीं हैं और लोगों को गुमराह करने के लिए दलित नाम देकर उस पर राजनीति खेलती हैं और दलित कार्ड खेलकर आज तक कई पार्टियां जीतती चली आई हैं। और इस बार भी रोहित वेमुला को ट्रंप कार्ड समझते हुए लोगों ने अपने अपने कार्ड्स फेंकना शुरू कर दिया था। शर्म की बात है कि भारत की राजनीति में किसी की मौत पर भी वोट बैंक की राजनीति की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक रोहित वेमुला के दलित ना होने पर भी उन सब के लिए भी शर्म की बात है जो इस पर राजनीति कर रहे थे। खबर स्टेशन की रिपोर्ट।